गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल वर्षा ब्लॉग्स एंड कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और पुदीने की सब्जी। देखिए, आलू पुदीने की सब्जी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये 4 से 5 बॉइल्ड आलू हैं जिन्हें हमने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं और उनको इसी तरीके से क्यूब में काट सकते हैं, क्योंकि ये हमें फ्राई करने हैं, पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं जिनको फाइन चॉप कर लिया है। ये धनिया है, धनिया में हमने हरी मिर्च ली है क्योंकि हम इस सब्जी में लाल मिर्च का यूज नहीं करेंगे। ये पुदीना है 1 कटोरी और इसमें हमने 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। और ये हमने मट्ठा लिया। हम इस सब्जी में पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ये धनिया पाउडर है, ये नमक है और ये जीरा है। तो चलिए देखते हैं आलू पुदीने की सब्जी कैसे बनती है। हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है और उसमें हमने तेल डाल दिया। हम तेल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने उबले हुए आलू लिए थे ये डालेंगे। आप उबले हुए आलू की जगह कच्चे आलू भी ले सकते हैं और उनको काट कर हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। हम आलूओं को ब्राउन होने तक धनिया, मिर्च, लहसुन, अदरक और पुदीना लिया था। इसमें हमने जीरा डालकर इसे मिक्सी में पीस कर इसका पेस्ट बना लिया। देखिए, हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। आप चाहे तो बॉइल्ड आलू ऐसे ही काट कर ग्रेवी में डाल सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल हो रहा है हमारा। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भूनेंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम अपना ये पेस्ट डालेंगे जो धनिया पुदीना अदरक लहसुन का था, ये वाला पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाएंगे। अब इसमें हम पिसा हुआ धनिया और नमक डालेंगे। पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसे चलाएंगे। हम मसाले को जब तक भूनेंगे, जब तक मसाला हमारा मसाला देखिए भुन चुका है, हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया। अब हम इसमें मट्ठा डालेंगे और मट्ठा डालकर इसे लगातार चलाएंगे। इसे उबाल आने तक लगातार चलाएंगे ताकि हमारा दही फटे नहीं। उबाल आ चुका है, अब हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। इसमें हमने 1.5 से 2 ग्लास मट्ठा का यूज किया है। और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए, हमारी सब्जी हो चुकी है। देखिए, हमने इसे सिर्फ 10 मिनट अच्छे से उबाला है, हमारी सब्जी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, हमारी सब्जी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। पुदीना गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है, तो आज हमने पुदीना और आलू की सब्जी बनाई है। तो आप भी पुदीना और आलू की सब्जी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह सब्जी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाय बाय।